एंड वेलकम टू चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास ईयर से लेसन नंबर जहांगीर खान दान की समरी तो स्टार्ट करते हैं। lesson, जांगीर खान द फेमस पश्तून स्कॉश प्लेयर जहांगीर खान इस सबक में आ, हमें एक मशहूर पश्तून स्कवाश खिलाड़ी जहाँगीर खान की कामयाबियों के बारे में बताता है Jangir Khan was born in Karachi on December 10th, 1963. Jangir Khan, this December, 1963 ko Karachi mein This great legend faced many challenges in his early life. Azeem ne mein ka kiya. He had two surgical operations of hernia, due to which his doctor advised him not to, not to take part in sports, but he did not uh, stop playing squash. उसने हर्निया के दो ऑपरेशन किए जिसकी वजह से उसके डॉक्टर ने उसको नसीहत की कि किसी भी खेल कूद में हिस्सा न ले। लेकिन उसने स्कोश खेलना बंद नहीं किया ड्यू टू स्पिरिट ही फॉर द वर्ल्ड वेयर ही वर्ल्ड नंबर जियो हंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड बिकेम द दंगेस्ट चैंपियन इन एटी नाइन उसके मजबूत जज्बे की वजह से उसको वर्ल्ड चैंपियनशिप में सेलेक्ट किया गया जहां पर उसने दुनिया के नंबर वन ऑस्ट्रेलिया के जियो ऑफ हंट को शिकस्त दी और उन्नीस सौ नवासी में सबसे छोटे उम्र के चैंपियन बन गए इस अजीम कामयाबी के बाद उसने वर्ल्ड ओपन चैंपियनशिप छः दफा और ब्रिटिश ओपन को दस दफा जीता ग्रेट पाकिस्तानी एथलीट जानशेर खान खेम टू कंप्लीट है एक और पाकिस्तानी खिलाड़ी जानशेर खान आए उसका मुकाबला करने के लिए बट जहांगीर खान डिफीटेड हेम इन दिन एट वर्ल्ड ओपन लेकिन जहांगीर खान ने उसको भी उन्नीस सौ अट्ठासी के वर्ल्ड कप में या वर्ल्ड ओपन में शिकस्त दी जहांगीर खान वन ऑल दीज मैच बिकॉज ऑफ हिज इनक्रेडिबल फिटनेस एंड टफ एक्सरसाइज जहांगीर खान ने ये तमाम मैच अपने नाकाबिल यकीन जिसमानी फिटनेस और सख्त वर्जिश की वजह से जीते ही रिटायर्ड फ्रॉम स्कोश इन नाइनटीन नाइनटी थ्री wo unisotriyan we squash say retire later on he was elected as vice president of pakistan squash federation in 1997 bad me wo pakistan squash federation ke vice president bane 1997 में. he became the vice president of world squash federation in 1998 wo unisotriyan World squash federation k vice president b bane we the list of his achievements and rewards is too long and cannot be explained in a few lines उसकी कामयाबियों की फेरस्त तो काफी लंबी है और चंद एक लाइन में उसको बयान नहीं किया जा सकता गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कॉन्फर्ड अपॉन हिम द प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड एंड सिविल अवार्ड ऑफ हिलाली इम्तियाज पाकिस्तानी सरकार ने उसको ऑफ परफॉर्मेंस uh, के अवार्ड से नवाजा और सिविल अवार्ड हिलाली इम्तियाज से नवाजा लंदन यूनिवर्सिटी ग्रांटेड हिम ऑनरे डिग्री ऑफ डॉक्टरेट ऑफ फिलासफी लंदन यूनिवर्सिटी ने उसको पी की एजाजी डिग्री दी ही वॉज ग्रांटेड मैनी अदर रिवॉर्ड्स इसी तरह उसको और भी बहुत सारे इनामत दिए गए इन हिज बुक ही सेज दैट ही वॉज नॉट बिलीव टू बी अ स्क्वाश प्लेयर बट ही मेड इट पॉसिबल थ्रू हिज ग्रेट एंड फार्म ऑफ स्पिरट अपनी एक किताब में वो लिखता है कि कोई भी उस पर ये यकीन नहीं करता था कि वो स्क्वाश के खिलाड़ी बन जाएंगे लेकिन अपने मजबूत जज्बे से आ, उसने ये आ, साबित कर दिया या मुमकिन बनाया एंड प्रूड हिमसेल्फ बी अ ग्रेट चैम्पियन और अपने आप को एक अजीम चैंपियन साबित कर दिया तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज